हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज में इस वीडियो में आप लोगों के साथ लास्ट फ्राइडे में रिलीज होने वाली फिल्म मार्क एंटोनी के बारे में बात करूंगा। इसमें एक्टिंग किया है विशाल, सुनील, एस जी सूर्या, रितु भरना। तो इस फिल्म के नेगेटिव दिख, पॉजिटिव दिख, इस फिल्म का स्टोरी क्या है, अल्टीमेटली ये मूवी मुझे कैसा लगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फिल्म का स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। मार्क यानी विशाल एक मैकेनिकल गैरेज में काम करता है। तो वो अपने पिताजी की वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनकी माता को, मतलब उनकी माँ को, उसके पिताजी ने मारा है और उनके पिताजी की भी डेथ हो गया है। तो उनके पिताजी की एक फ्रेंड है जैकी, जो एक गैंगस्टर है, और वो मार्क उसे नाना बुलाता है। तो एक दिन एक पुराना कार में उसे एक फोन मिल जाता है और ये फोन पास्ट में लोगों के साथ बात कर सकता है, और लेकिन इसका एक कंडीशन है, क्या ही एक पर्टिकुलर डेट और एक टाइम पे बात कर सकता है। तो उस फोन के जरिए वो अपने पिताजी की सच को जानता है कि उसके पिताजी उनकी माँ को नहीं मारा है, और वो जिसको नाना करके पुकारता है, जो गैंगस्टर है, उसके भी पुराने सच को जानता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है इसके बाद, सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को ये फिल्म देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक्टिंग की बात करता हूँ। इस फिल्म में विशाल का भी दो रोल है और एस जी सूर्या का भी दो रोल है, एक बाप और एक बेटे का, दोनों का ही बाप बेटे का रोल है। ये मूवी एक्चुअली 1975 से 1995 को ये जो वक्त है, मतलब 20 साल का वक्त ही इसको दिखाया गया है। तो दोनों ही एक्टर, विशाल एवं एस जी सूर्या, दोनों ही बाप का रोल बहुत ही अच्छा है निभाया है। खास करके एस जी सूर्या जिस तरह से बाप का रोल किया है, मतलब आप कह सकते हैं कैरेक्टर के बिल्कुल स्किन में जाने काम किया है। जिस तरह से उन्होंने बाप के रोल के लिए अपने वॉइस को चेंज किया है, एक आई मतलब एक वर्ड में कहे तो लाजवाब है। विशाल ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, खास करके जैसे मैंने कहा बाप का रोल था। सुनील का जो रोल था वो ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना मार्क छोड़ा है। रितु भरना इसमें हीरोइन है, लेकिन उनको ज्यादा स्कोप नहीं मिला एक्टिंग करने का, तो जितना मिला है उन्होंने काम किया। बाकी जो भी एक्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, नो डाउट। एक्टिंग वाइज ये मूवी बिल्कुल करेक्ट है। इस मूवी का खराब दिख की बात करें तो इसका सॉन्ग बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये जो फिल्म है ये काफी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन बात क्या है कि ये नॉर्मल गैंगस्टर ड्रामा है, लेकिन इसमें जो ये ट्विस्ट ला गया है, ये टाइम ट्रेवल करने का, पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का, ये कह सकते एक ट्विस्ट एंड टर्न है। और इसका जो इंटरवल के पहले का जो सीन है वो बहुत ही लाजवाब है, वो काफी इंटरेस्टिंग क्रिएट किया है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये मूवी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है और इसकी स्क्रीन प्ले ढीला हो जाता है, और उसमें ऊपर से सॉन्ग भी अच्छा नहीं है और डायलॉग भी कुछ अच्छा नहीं है। तो सेकेंड हाफ में क्या है कि ये मूवी काफी डाउन में चला जाता है, आप कह सकते हैं डल हो जाता है। फर्स्ट हाफ में जितना अच्छा है, सेकेंड हाफ में उतना ही बुरा है। इस मूवी का ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन सभी ने अच्छा एक्टिंग किया है, ये इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फिल्म की जो एक्चुअली जो चाहिए, जो एंगेजिंग चाहिए, जो बॉन्डिंग चाहिए था, वो सेकेंड हाफ में बिल्कुल मिसिंग है, इसलिए सेकेंड हाफ में ये मूवी बिल्कुल डाउन में चला जाता है। और एक बात कि ये मूवी में जो पास्ट में जो दिखाया गया, पास्ट में जो टाइम ट्रेवल के बाद दिखाया गया, ये इस मूवी को ट्विस्ट एंड टर्न बनाता है, और इसमें काफी कॉमिक एलिमेंट भी डाला गया जो अच्छा है। लेकिन इसके डायलॉग बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो कोई मार्क नहीं छोड़ जाता आप, मतलब किसी के ऑडियंस के मन में कोई डायलॉग आपको मार्क नहीं करता। लेकिन एक्टिंग अच्छा है, इसलिए ये थोड़ा आप कह सकते हैं देखने के लायक बना है। तो इसीलिए इस मूवी को मैं 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।